आज राहुल गांधी जी ने डीमोनेटाइजेशन पे जनता से एक सवाल पूछा और नोटबंदी के विषय में जिस प्रकार का एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट ये कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है, देश तो उनका साथ नहीं दे रही है, मगर वहीं राहुल गांधी झूठ पर झूठ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि क्या आपने किसी अमीर आदमी को, बड़े गाड़ी में आ रहे किसी आदमी को, जिसके पास काला धन हो वैसे किसी आदमी को लाइन में खड़े होते हुए देखा क्या? और जनता ने जवाब दिया पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि टीवी के माध्यम से राहुल गांधी जी के इस झूठ को जनता भी सुन रही थी, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने जवाब किया, देखा देखा देखा, हमने राहुल जी को देखा। 4 करोड़ की गाड़ी में जिस प्रकार से राहुल गांधी आए थे और जिस प्रकार वो लाइन में खड़े हुए थे, ये तीनों क्राइटेरिया, अमीर आदमी, बड़ा आदमी, काला धन रखने वाला व्यक्ति, वो लाइन में खड़ा था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और स्वाभाविक रूप से पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेसियों के अंदर हड़कंप मचा पड़ा है, 2 वर्षों बाद भी मचा पड़ा है, ये स्वाभाविक है, नोटबंदी के 2 वर्षों बाद भी ये स्वाभाविक है। 4 पुश्तों की काले मेहनत की काली कमाई जिस प्रकार से एक ही दिन में समाप्त हो गया, यह स्वाभाविक है कि बहुत पीड़ा होगी। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 4 generations, द वे द गांधी फैमिली हैड accumulated ill-gotten वेल्थ थ्रू ब्लैक मेहनत, थ्रू ब्लैक हार्डवर्क, इट वॉज ऑल ओवर बाय जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। And that's the reason as to why the pain of Mr. Rahul Gandhi and pain of the Gandhi family and that transmitting to the Congress family is quite evident, is quite visible. 3 lakh shell companies band ho gayi. Main to Rahul Gandhi ji se ye sawal puchna chahta hoon ki 3 lakh shell companies aapke naak ke niche itne varshon se chal rahi thi, 10 varshon tak aap sab kuch dekhte huye aankh band karke kyun chal rahe the? जो गवर्नेंस चल रही थी या मिस गवर्नेंस कहिए 10 वर्षों तक, ये धृतराष्ट्र वाले मोड पे क्यों चल रही थी? आंख पे पट्टी बांध करके नाक के नीचे शेल कंपनीज गड़बड़ी कर रही थी, उसको आप प्रमोट कर रहे थे, वो बंद हो गई, उस पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इज इट नॉट फेयर दैट दी इकोनॉमी ऑफ दिस ग्रेट नेशन इंडिया वॉज लार्जली फॉर्मलाइज्ड पोस्ट डीमोनिटाइजेशन? Is it not a reason as to why we should be celebrating? In fact, yesterday, Mr. Arun Jaitley, kal Arun Jaitley ji, jo desh ke vitt mantri hai, unhone pure aankdon ke saath, na keval ek blog ke madhyam se, apitu press ko bhi sambodhit karte hue, sabhi aankde hamare samne rakhe, mujhe dobara un aankdon ko rakhne ki avashyakta nahi hai. Tax base badha ki nahi demonetization ke karan? Uttar hai, haan, badha. Kya Bharat ki arthaniti opacharik, फॉर्मलाइज हुई डिमोनिटाइजेशन के कारण? उत्तर है हां हुई, यस इज द आंसर। क्या डिजिटलाइजेशन पोस्ट डिमोनिटाइजेशन बढ़ा? डिड द डिजिटलाइजेशन इंक्रीज आफ्टर डिमोनिटाइजेशन? द आंसर इज हां, यस। विथ ऑल दीज यस इन द फ्रे, द नेगेटिव फोर्सेज लाइक द कांग्रेस पार्टी नेवर वॉन्टेड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, there is a war going on as far as Indian polity is concerned. Fighters against the black money versus the supporters of black money. Jo log kale dhan ke khilaf ladai lad rahe hain versus jo log kale dhan ko bachane ki koshish kar rahe hain. Har koi janta hai ki kis prakar se Congress ke regime ne kale dhan ko bachane ki koshish ki. Aur bandhuon, aaj jo chhatpatahat Congress party ke andar hai, wo isliye hai kyunki inki kali kamai band ho gayi hai. वो इसलिए है क्योंकि इनका काला धन समाप्त हो गया है। मैं एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड, डीमोनेटाइजेशन वॉज जस्ट नॉट वन स्टेप, कंटिन्यूअसली फ्रॉम द डे वन दैट द मोदी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, विद इन 2.5 days एन SIT अगेंस्ट द ब्लैक मनी एज द सुप्रीम कोर्ट डिजायर्ड, टिल टूडे दिस फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी इज अ कंटिन्यूअम प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 65,250 करोड़ ये देश में आया, इनकम टैक्स सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन में
35,460 करोड़ ये आया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5,000 करोड़ आया, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में 4,300 करोड़ आया, ब्लैक मनी एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट में 4,100 करोड़ आया, टोटल कितना आया 1,14,110 करोड़ आया, रिडक्शन इन स्विस बैंक डिपॉजिट सिंस 2014 12,140 करोड़ ये रिडक्शन हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टैक्स पेयर सिंस 2014 लगभग 80% का बढ़ोतरी हुआ है, सर्ज इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सिंस 2014 51.3% बढ़ा है। हमारे समय खाली आया आया आया, उनके समय गया गया गया। बंधुओं जहां तक काले धन के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, ये आया देश में आया 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 वर्सेस 12 से 14 लाख करोड़ रुपए जिस प्रकार गांधी परिवार के शासन के समय गया 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 था, उसकी लड़ाई है, जीत हमारी हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के जनता को संबोधित करते हुए किस प्रकार नेशनल सिक्योरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, उस विषय को भी सामने रखा। अर्बन नक्सलियों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार नोटबंदी में पूछते हैं कि नक्सलवाद का क्या हो गया, आप तो प्रॉमिस करते थे कि नक्सलवाद में भी कमी आएगी। बंधुओं आंकड़ों के साथ हम बैठे हैं, क्या यह हकीकत नहीं है कि नोटबंदी के पश्चात एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक बहुत बड़े तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से नक्सलिज्म में गिरावट आया है। आप देखिए 2009 में और 2017 के बीच अगर कंपैरिजन किया जाता है, कई मीडिया हाउसेस ने उसे छापा भी और सरकार ने भी डाटा दिया है, 60% की गिरावट आई है। 2009 में जहां 2,260 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2017 में वहीं 900 लोगों की मृत्यु हुई है, 60% की गिरावट। 44 डिस्ट्रिक्ट्स, 44 जिले जो नक्सल इन्फेस्टेड थे, ये खुद लोकसभा में बताया गया है, वो आज नक्सल इन्फेस्टेड नहीं है। और एक बड़ी बात मैं यहां आर्टिकल भी लेके आया हूं, एक सम्मानजनक अंग्रेजी अखबार का, डीमोनेटाइजेशन लीड्स टू हाईएस्ट एवर सरेंडर ऑफ माओइस्ट्स इन अ मंथ, एक महीने के अंदर सर्वाधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 564 माओइस्ट एक महीने में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी ट्वीट करके अर्बन नक्सलियों का समर्थन करते हैं, और अर्बन नक्सली जब गिरफ्तार होते हैं, वही अर्बन नक्सली जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो खुद एसी कमरे में रहते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और जो भोली भाली गांव की जनता और आदिवासियों पे कहर ढाते हैं, ऐसे अर्बन नक्सलियों का समर्थन राहुल गांधी ने किया था ट्वीट करके, उनको एनजीओ बुलाया था कि वो एनजीओ है, वो सेवा का काम करते हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हीं के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द प्रयोग किया है, क्रांतिकारी, कि ये जो नक्सली हैं, माओइस्ट हैं, वो क्रांतिकारी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग नक्सलियों को क्रांतिकारी मानते हैं, जो लोग नक्सलियों को रिवोल्यूशनिस्ट मानते हैं, उनको नोटबंदी कहां से अच्छा लगेगा, क्योंकि नक्सलवाद के रीढ़ की हड्डी पर चोट हुई थी। ऐसे में उनको नोटबंदी अच्छा नहीं लगेगा, इतने पुश्तों की कमाई उनकी लूटी है, इसलिए आज ये रोना धोना चल रहा है।